हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले के सफ़र पे। पालघर जो कि महाराष्ट्र के कोंकण डिवीजन के अंतर्गत आता है, ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक हिस्सा है जिसका मुख्यालय पालघर शहर में स्थित है। ये मुंबई सबअर्बन रेलवे और मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर के रूट पर स्थित है। 68,000 की आबादी के साथ ये शहर 4,696 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है। दोस्तों, सड़क पर अगर आपको MH48 नंबर प्लेट की गाड़ियां दिख जाएं तो समझ लीजिए आप महाराष्ट्र के पालघर में प्रवेश कर चुके हैं। पालघर जिले की स्थापना 1 अगस्त 2014 में हुई थी, जिसका निर्माण थाने डिस्ट्रिक्ट से अलग करके किया गया था। ये मुगल, मराठा और पुर्तगालियों के शासन के अधीन रहा है। साथ ही ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 934 महिलाओं का है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ 87.5% हिंदू, 5.76% मुस्लिम, 3.86% क्रिश्चियन और 2% अन्य धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था पर नज़र डालें तो यहाँ भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट यहाँ के तारापुर में बनाया गया था। साथ ही यहाँ का मध्यम वर्गीय इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ के अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान देते हैं। आवागमन के साधनों पर नज़र डालें तो यहाँ का पालघर रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो कि मुंबई अहमदाबाद सबअर्बन रेलवे लाइन पर स्थित है। सड़क मार्ग की बात करें तो ये राष्ट्रमार्ग 160A से जुड़ा है। साथ ही यहाँ MSRTC बस फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आप यहाँ के पड़ोसी शहरों में आवागमन कर सकते हैं। हवाई मार्ग की बात करें तो आप यहाँ के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का इस्तेमाल अन्य शहरों में आने जाने के लिए कर सकते हैं, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों, अंत में आइए जान लेते हैं यहाँ के कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में जहाँ आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। आप यहाँ के खूबसूरत फोर्ट जैसे वसाई फोर्ट, श्रीगांव फोर्ट, जीवदानी देवी टेम्पल, काला दुर्ग फोर्ट और यहाँ के महालक्ष्मी टेम्पल, शीतला माता देवी मंदिर और आप यहाँ के खूबसूरत बीचेस पर घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शहर पसंद आया होगा। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।